अपने राज्याभिषेक के ठीक 8 वर्षों के बाद 262 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और इस जमीन के टुकड़े को जीतने में 3,00,000 से भी अधिक लोगों की बलि चढ़ गई। वहीं चाइना में भी 262 ईस्वी पूर्व में हुए बैटल ऑफ चैंगपिंग में 6,00,000 से भी अधिक लोगों ने अपने जान से हाथ धो बैठा। अगर हम इंसानी इतिहास देखें तो बीते 5,000 वर्षों में इंसानों ने 10,600 से भी अधिक अलग अलग युद्ध लड़े हैं। इन बैटल्स में ज्यादातर युद्धों के लड़ने का एक ही कारण विशेष रूप से रहा है, जो कि है ज्यादा से ज्यादा जमीन पर खुद का कब्जा करना। हजारों युद्ध इस बात की गवाह हैं कि हम इंसान जमीन के छोटे से टुकड़े को भी हासिल करने के लिए एक दूसरे का रक्त बहाने से भी बिल्कुल नहीं कतराते। जमीन के टुकड़े की चाह ना तो बच्चे देखते हैं और ना ही असहाय बूढ़े, यहाँ तक कि एटम बम के इस्तेमाल से भी नहीं झिझकते। पर इन्हीं सब के बीच एक ऐसा भी आइलैंड है जो बिना किसी खून खराबे हर 6 महीने में अपना बॉर्डर चेंज कर लेता है। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि यह जगह इंसानों से काफी दूर है या कोई वीरान टापू है, बल्कि यह यूरोप के काफी डेंस एरिया के बीचों बीच स्थित है। हम जिस टापू की बात कर रहे हैं वह यूरोप के दो कंट्रीज फ्रांस और स्पेन के बीचों बीच स्थित फेजन आइलैंड है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि फेजन आइलैंड हर 6 महीनों पर अपनी टेरिटरी कैसे और क्यों चेंज कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्पेस हंगर के एक और मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रांस और स्पेन के बीचों बीच एक रिवर बहती है जिसे बिदासवा रिवर कहते हैं। वैसे तो दोस्तों रिवर का मोस्टली भाग स्पेन में बहता है, लेकिन एंटार्कटिक ओशन में गिरने से ठीक 15 किलोमीटर पहले यह पूरी तरह से फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर को निर्धारित करती है। इसी रिवर के बीच में स्पेन के शहर इरून और फ्रेंच सिटी हेंडाई के बीच में एक छोटा सा आइलैंड मौजूद है। इस आइलैंड की खास बात यह है कि 6800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह आइलैंड 1 फरवरी से लेकर 31 जुलाई तक स्पेन के पास होता है और फिर 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक इस पे फ्रांस का अधिकार हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी का यह सेरेमनी फ्रांस और स्पेन के नेवी के बीच फीजेंट आइलैंड पर ही होता है। जब दोनों देशों के अथॉरिटीज आती है और सेरेमनी के बाद जिनकी बारी होती है वह अपना झंडा ऊपर करता है। इस आइलैंड पर यह एक्सचेंज सेरेमनी पिछले 170 सालों से चलता आ रहा है। आपको यह जानना चाहिए कि किसी भी टेरिटरी को एक ही वक्त में 2 या 2 से अधिक देशों के द्वारा चलाया जाता है तो ऐसे हिस्से को कॉन्डोमिनियम कहा जाता है। लेकिन पीजेंट आइलैंड दुनिया में एकमात्र ऐसा आइलैंड है जिसे एक वक्त में कोई एक ही कंट्री चलाती है और इसी वजह से यह आइलैंड ना सिर्फ कॉन्डोमिनियम बल्कि दुनिया का इकलौता टेम्पोरल कॉन्डोमिनियम है। पावर का यह एक्सचेंज बिना किसी खून खराबे के शांति पूर्वक ढंग से होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यह जिन दस्तावेजों में लिखा हुआ है वह दस्तावेज बिल्कुल खून से सना हुआ है। बात 17वीं शताब्दी की है जब पूरा यूरोप बहुत बड़ी आपसी जंग से गुजर रहा था। यह जंग करीब 30 वर्षों तक चला जिसे हम 30 ईयर वार के भी नाम से जानते हैं। बुद्धिजीवियों का कहना था कि यह वार वैसे तो रिलीजियस वार था, लेकिन इस वार को हवा देने का काम पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक पावर कंट्रोल भी कर रहा था। जो वार 1618 में शुरू हुआ वह 1648 में जाकर एक पीस ट्रीटी पीस ऑफ वेस्टफेलिया पर खत्म हुआ। रोमन साम्राज्य तो चैन की सांस ले पा रहे थे, लेकिन यह पीस ट्रीटी भी फ्रांस और स्पेन के बीच की दुश्मनी को खत्म ना कर सके। आए दिन दोनों देशों के बीच झड़पें लगातार चलते ही रहता था। फिर 11 वर्षों के बाद 1659 ईस्वी में इन दोनों देशों ने भी आपस में एक अलग पीस ट्रीटी साइन कर लेती है जिसे पायरेनीज ट्रीटी या पीस ऑफ पायरेनीज भी कहते हैं। अगर हम बात पायरेनीज की करें तो यह एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है जो कि फ्रांस और स्पेन को बिल्कुल 2 अलग भागों में बांटती है। इसी बेहतरीन माउंटेन के नाम पर पायरेनीज पीस ट्रीटी नाम रखा गया था। यह संधि दोनों देशों के बीच 3 महीने में 24 कॉन्फ्रेंस के दरमियान हुआ था। 3 महीनों तक चली यह कॉन्फ्रेंस कहीं और नहीं बल्कि बिदासवा रिवर में मौजूद पीजेंट आइलैंड पर ही हुआ था। इस पीस एग्रीमेंट के कुछ ही दिनों के बाद स्पेनिश प्रिंसेस और फ्रेंच किंग की शादी भी की गई।
जिसकी सेरेमनी भी पीजेंट आइलैंड पर ही की गई थी। उस वक्त इस रॉयल शादी के लिए टेम्पररी ब्रिज का भी निर्माण कराया गया था। बता दूं कि यहां आज तक कोई भी ब्रिज कंस्ट्रक्ट नहीं कराया गया है। उस दिन के बाद से दोनों किंगडम्स की सारी रॉयल शादियां यहीं पर की जाने लगी। दोनों कंट्री के लिए यह आइलैंड एक सिंबल ऑफ पीस के रूप में उभर कर सामने आया। लेकिन इस पायरेनीज पीस एग्रीमेंट में पीजेंट आइलैंड के कस्टडी को लेकर कोई भी जिक्र नहीं था। अगले 200 सालों तक इस आइलैंड पर स्पेन और फ्रांस दोनों का इक्वली कंट्रोल रहा। फिर जाकर 1856 में एक और एग्रीमेंट तैयार किया गया, जिसमें सिर्फ पीजेंट आइलैंड के ही बारे में चर्चा किया गया था। इस ट्रीटी में तय हुआ कि आइलैंड 6 महीने फ्रांस और फिर 6 महीने स्पेन के पास होगा। तब से लेकर आज तक इस आइलैंड को शांति पूर्वक ढंग से ट्रीटी के शब्दों पर अदला बदला जा रहा है। यह दुनिया का एकमात्र भूभाग है जो पिछले 170 वर्षों में लगभग 340 बार अपनी सॉवरेनिटी चेंज कर चुका है और आगे भी शायद इसी तरह होता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।